गांधी का ट्वीट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कच्चा तेल 25% से ज्यादा सस्ता हो गया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कच्चा तेल 25% से ज्यादा हो गया, पिछले 6 महीनों में कच्चा तेल सस्ता हुआ। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए से ज्यादा घटाए जा सकते हैं। सरकार ने 1 रुपया भी कम नहीं किया, राहुल गांधी का बयान सामने आया। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम घटाए जा सकते हैं, भारत की जनता बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा। कानपुर में चेन लुटेरों का आतंक, कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर में चेन लुटेरों का आतंक बढ़ गया है। आपको बता दें कि लुटेरे ने बाइक सवार होकर स्कूटी से जा रही महिला की लूटी चेन, लुटेरे ने बाइक सवार महिला से लूटी चेन, चेन लुटेरे मौके से फरार हो गए। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की घटना। जगेरी थाना क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी की घटना है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चेन लुटेरों ने महिला से लूटपाट की। कानपुर में चेन लुटेरे का आतंक, लुटेरे ने बाइक रोककर स्कूटी से जा रही महिला की लूटी चेन। कानपुर से एक खबर सामने आ रही है, चेन लूट लुटेरे मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रिजवान हमारे साथ जुड़ेंगे। रिजवान, देखा जाए जिस तरीके से तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि महिला से चेन की लूटपाट की गई है, इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? मैं आपको बता दूं, चकेरी थाना, कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के बंगाली मोहल्ल का घटना है, जो कि सीसीटीवी वायरल, ये तो सीसीटीवी वायरल हो रहे हैं, लुटते हुए इसमें पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और बताया जा रहा है कि महिला बहुत देर से उसके पीछे भागती रही, लोगों से गुहार भी लगाई, मगर देखा जाए तो किसी ने उसकी मदद नहीं की। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इस पे कार्रवाई की गई है, क्योंकि सीसीटीवी में ये घटना कैद हो गई है? वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में दिया है और तत्काल कार्रवाई करने की बात भी कही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिजवान। गोंडा में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गोंडा में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। पुलिस ने खड़ी गाड़ी का किया चालान। आपको बता दें कि पुलिस ने खड़ी गाड़ी का चालान किया है। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीर में दिख रही गाड़ी की बजाय कर दिया दूसरी गाड़ी का चालान। गैर जिम्मेदाराना रवैये से पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। गोंडा से इस वक्त की खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। थाना कोतवाली नगर का है पूरा मामला। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस की लापरवाही सामने आई है। गोंडा पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, खबर गोंडा से आ रही है।